हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी लड्डू की रेसिपी। ये एनर्जी बॉल्स हैं जो बहुत ही हेल्दी होते हैं खाने में। अगर आपको कभी भी खाना खाने के बाद या ऐसे भी मीठा खाने की क्रेविंग करे तो आप ये लड्डू लीजिए। इससे आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, ऊपर से आपकी बॉडी को बहुत अच्छी एनर्जी भी मिलेगी। बहुत हेल्दी लड्डू हैं, आई होप ये आपको पसंद आएंगे। तो हम लेट नहीं करते, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, उसमें एक स्पून घी लिया है और कुछ ड्राई फ्रूट्स को हल्का रोस्ट कर लिया है। कच्चा नहीं मिलाएंगे, इसीलिए मैंने गरम करते हैं, इसलिए हल्के से घी में इनको ड्राई रोस्ट कर लिया है। मैंने यहाँ पे काजू लिए हैं, अखरोट लिए हैं, बादाम लिए हैं, यहाँ पे कोकोनट लिया है। उसी कढ़ाई में मैंने कोकोनट को रोस्ट कर लिया है। कोकोनट के लिए ज़्यादा घी की आवश्यकता नहीं होती, तो जितना घी था थोड़ा सा मैंने उसी में इसको रोस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने क्विक ओट्स लिया है 1 कप, इसको विदाउट घी रोस्ट किया है, थोड़ा हल्का सा इसको भी रोस्ट कर लेंगे। डेट्स लिए हैं जिनको मैंने बीज निकाल के ग्राइंड कर लिया है। डेट्स बहुत हेल्दी हैं और यही आपके लड्डू को एक बाइंडिंग भी देंगे और मीठापन भी देंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में फिर से 1 स्पून घी लिया है, 1/2 स्पून 1 स्पून के आसपास, और उसी में डेट्स जो ग्राइंड किया हुआ था उसी को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्का सा बस एकदम। यहाँ पे गैस बंद कर दिया है, अब चलते हैं इनको पीसने। तो सबसे पहले जो ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको मैंने रोस्ट किया था वो ले लेंगे, और यहाँ पे मैंने पीनट्स लिए हैं जिनको हल्का विदाउट घी भून लिया है, और थोड़ा सा इनके छिलके जितने निकलने थे वो निकाल भी दिए हैं। इसको भी मिक्स कर लेंगे। फ्लैक्सीड लिया है, यहाँ पे मैंने 2 स्पून फ्लैक्सीड लिया है। वेरी रिच ओमेगा 3, बहुत अच्छी मात्रा में होता है और बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। देखिए, इन चीज़ों को मैंने मिक्स करके पीस लिया है, बट इनको मैंने 2 भाग करके पीसा है। 1 भाग में ये बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो बहुत बारीक भी नहीं करना है, हल्का दरदरा ही रखना है, और जो मोटे मोटे पीसेस हैं उनको अलग करके हम दोबारा से पीस लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने बहुत बारीक नहीं किया है, थोड़ा ये दरदरा ही है जो थोड़ा क्रंची फ्लेवर देगा। अब रोस्टेड ओट्स को भी हम पीस के रेडी कर लेंगे। अब एक बड़े बाउल में इन सारी चीज़ों को हम निकाल लेंगे, जिससे कि सारी चीज़ों को मिक्स करने में आसानी हो। डेट्स भी ले लेंगे। अभी डेट्स हमारे यहाँ पे गर्म है, तो मैंने इसमें जैगरी पाउडर मिलाया है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 स्पून जैगरी पाउडर मिलाया है। अगर आप चाहें तो इसमें हनी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है, सिर्फ गुड़ है, तो आप गुड़ को बारीक बारीक कट करके वो भी कर सकते हैं, ग्राइंड भी कर सकते हैं और इसमें मिक्स कर सकते हैं। अब बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हमने पीस के रेडी किया था वो भी मिला लेंगे, कोकोनट भी मिला लेंगे इसमें, ये भी हमने रोस्ट कर लिया था। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी चीजों को मिक्स करने के बाद ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, आराम से इसके लड्डू बन रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो इसी तरह से आप इसके छोटे छोटे लड्डू बना के रेडी कर लीजिए। ये लड्डू बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, बहुत टेस्टी। अगर आप एक लड्डू खाएंगे तो दूसरा खाने से अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। अगर आपको लड्डू बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही हो, नहीं बन रहे हो, तो आप इनको हल्का सा एक बार क्विक ग्राइंड कर लीजिएगा मिक्सी में, एक ही बार थोड़ा सा, आप देखिएगा तब लड्डू बहुत इजीली तुरंत बन जाएंगे। तो यहाँ पे लड्डू बनके मेरे सारे रेडी हो चुके हैं, मैंने फटाफट से बना लिए हैं। आप भी बनाइए इन एनर्जी लड्डू को,
और इस लॉकडाउन के टाइम पे ये आपके बहुत काम आएंगे। जब भी आपको भूख लगे या कुछ ऐसे खाने का मन करे मीठा, तो आप ये लड्डू खाइए। बच्चे हों चाहे बड़े हों घर में, ये लड्डू सभी के लिए बहुत हेल्दी हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ये देखिए, मैं आपको एक लड्डू तोड़ के दिखाती भी हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। बहुत हार्ड भी नहीं है, इजीली टूट जा रहा है। ये देखिए, बहुत सॉफ्ट लड्डू बन के रेडी है। आप इसको आराम से एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए, जब मन करे खाइए। और इसको आप ठंडी जगह में रखिएगा, क्योंकि इसमें अलसी भी पड़ा है, अलसी जल्दी ख़राब होता है, इसलिए आप इसको ठंडी जगह में रखिएगा। बट ये लड्डू इतने टेस्टी बने हैं कि ज़्यादा दिन चलेंगे भी नहीं, बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। तो आई होप ये आपको पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।